जैसा कि हमने व्हाइल लूप्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियोस में, हमने व्हाइल लूप्स की वर्किंग, सिंटैक्स और उसकी एक एग्जांपल देखा था। इस वीडियो में भी हम बेसिकली एक एग्जांपल देखेंगे और इस एग्जांपल में जो प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे, सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, यानी कि यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 5432 इनपुट किया, तो इस नंबर्स के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो कैलकुलेट किया जाए। तो प्रोग्राम जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह है। इसकी लॉजिक को हम देखते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। तो हमारे पास मेमोरी के अंदर जब यूज़र या प्रोग्रामर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, तो फर्स्ट लाइन जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगी, दो वेरिएबल्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होंगे, वन इज़ नम एंड अदर इज़ ए सम। और सम को हमने ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया, यानी कि इनिशियल वैल्यू जो है, स्टार्टिंग वैल्यू, वो सम के अंदर हमने ज़ीरो रखवा दी। उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन को जब एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज़ द मैसेज जो कि स्क्रीन के ऊपर यूज़र के सामने डिस्प्ले होगा, इंटर एनी नंबर टू फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट। और नेक्स्ट लाइन जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज़ द स्कैनएफ फंक्शन जो कि बेसिकली इनपुट पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा, तो हमने बेसिकली इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट्स वाई परसेंटेज डी फॉर्मेट कोड को यूज़ करते हुए हमने नम वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है। जैसे ही यूज़र जो है वो वैल्यू इनपुट करेगा, सपोज यूज़र ने 5432 वैल्यू जो है ये नंबर इनपुट किया और ये नंबर जो है हमारे पास नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लूप है, और लूप में जो हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है कि नम की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो दैट इज़ ट्रू। ट्रू है क्योंकि नम में जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ 5432 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड ट्रू होने की सूरत में जो है कंट्रोल वो लूप के अंदर आएगा, यानी कि विद इन बॉडी आएगा। और यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, यानी कि नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 5432, उसको डिवाइड करें 10 पे, और मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली जब रिमाइंडर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर जो है वो हमें रिटर्न होता है। सपोज ये हमने डिवाइड किया, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, इट्स मीन कि हमारे पास जो वैल्यू रिमाइंडर के तौर पे बचेगी, दैट इज़ टू स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद, और ये टू जो है वो हमने सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे हमने स्लैश यानी कि डिवीजन ऑपरेटर यूज़ किया, डिवाइड किया, नम वैल्यू को जस्ट हमने डिवाइड किया, तो दैट्स मीन क्वोशन्ट वैल्यू रिटर्न होगी, दैट इज़ क्वोशन्ट। क्वोशन्ट जो है वो 543 है, और 543 जो है दैट इज़ स्टोर इनटू अ नम वेरिएबल, यानी कि नम के अंदर जो है अब 543 वैल्यू जो है दैट इज़ स्टोर्ड। उसके बाद कंट्रोल दोबारा अगेन जो है दैट विल ट्रांसफर टू बिगनिंग ऑफ द लूप, और अब दोबारा कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी। अब हमारे पास नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 543, यानी कि 543 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन अगेन ट्रू, और दोबारा जो है नम की वैल्यू को, यानी कि नम में जो हमारे पास 543 जो है वो डिवाइड करना है, और रिमाइंडर जो है वो रिटर्न होगा। डिवाइड करने के बाद अब इस सूरत में हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी दैट विल बी अ थ्री, थ्री रिमाइंडर जो है वो रिटर्न होगा, और थ्री जो है वो बेसिकली सम वेरिएबल के अंदर अगेन स्टोर करवा देंगे। तो सम में ऑलरेडी टू था, और यहाँ से हमारे पास जो है वो थ्री रिमाइंडर रिटर्न हुआ, दैट इज़ ऐड और फाइव वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट लाइन ये है हमारे पास, नम वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 543, इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन रिटर्न होगा दैट विल बी अ स्टोर इनटू अ नम वेरिएबल, यानी कि 54 जो है दैट इज़ द क्वेश्चन डिवीजन के बाद जो है वो हमारे पास रिटर्न होगा, और वो वैल्यू जो है नम के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगेन कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र बिगनिंग ऑफ द लूप होगा, नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 54 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगेन कंट्रोल लूप के अंदर ट्रांसफ़र होगा बॉडी में, और नम की वैल्यू जो है वो डिवाइड होगी, और मॉडुलस ऑपरेटर है दैट्स वाई रिमाइंडर रिटर्न होगा विच इज़ 4, 4 वैल्यू जो है वो ऑलरेडी सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि 5 पड़ा हुआ है, इसके अंदर एड अप करके और सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो रिजल्ट की सूरत में हमारे पास 9 जो है सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होनी है, अगेन नम की वैल्यू 10 पे डिवाइड होगी, और क्वेश्चन जो है दैट विल बी अ रिटर्न, इट्स मीन के अब
54 को जब डिवाइड करेंगे 10 पे तो 5 जो है दैट विल बी अ स्टोर अगेन नम वेरिएबल के अंदर. अगेन कंट्रोल जो है ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा बिगनिंग ऑफ द लूप. नम में हमारे पास इस टाइम 5 पड़ा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. कंडीशन ट्रू है अगेन नीचे आएगा लूप के अंदर आएगा बॉडी ऑफ लूप में आएगा. नम की वैल्यू 10 पे डिवाइड करेगा तो जो कि 5 है यानी कि रिमाइंडर 5 ही रिटर्न होगा और सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 9. 5 और 9 को ऐड अप करेगा दैट इज़ अ 14. सम के अंदर जो है वो 14 स्टोर हो जाएगा. उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर होगा. कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो 5 को जब 10 पे डिवाइड करेगा विच रिटर्न द 0. 0 रिटर्न होगा और कंट्रोल जो है वो अगेन ट्रांसफर होगा बिगिनिंग ऑफ द लूप. नम में अब जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. कंडीशन बिकम फॉल्स एंड कंट्रोल विल बी अ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप आफ्टर द बॉडी. तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है. सम ऑफ डिजिट जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी और सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर दैट इज 14. 14 जो है वो यूज़र की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा. इट्स मीन के जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया था 5432 उसका सम जो है वो 14 होता है. तो ये एक और एग्जांपल थी जिसे हमने देखा वाइल लूप के थ्रू, यानी कि वाइल लूप की एक्सप्लेनेशन या उसको हमने मजीद फर्दर जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थ्रू दैट एग्जांपल. लैब टास्क जो है वाइल लूप के लिए, ट्राई योरसेल्फ राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. इट देन इनपुट द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट एंड डिस्प्ले द हाइएस्ट एंड सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स अमॉन्ग दीज स्टूडेंट. यूज अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट मैसेज टू इलस्ट्रेट यूअर वर्किंग. दैट इज लैब टास्क. सो दैट इज ट्राई योर सेल्फ.